नमस्कार, मैं महेश सैनी, निदेशक आरएससी स्कूल। इस लाइव में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आरएससी स्कूल का आरएससी बाल मेला 2024 और अभी पूर्ण रूप से धीरे धीरे अपने परवान चढ़ रहा है और मैं दिखाता हूँ, मिलाता हूँ हमारे प्यारे आरएससीएन से कि किस प्रकार से शानदार यह आरएससी का बाल मेला है। मेरा सभी अभिभावकों से विनम्र आग्रह है कि जो भी अभी तक नहीं पहुँचे बाल मेले में ज़रूर पहुँचे, क्योंकि यह बाल मेला वास्तव में एक पुण्य अर्जित करने का बहुत शानदार मौका है और इस बाल मेले के माध्यम से जो भी इनकम होगी सारी पुनीत और नेक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगती है, गौशाला इत्यादि के अंदर इसमें लगती है। देखिए हमारे प्यारे आरएससीएन कितनी शानदार तैयारी की है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये गोलगप्पे के स्टॉल है। प्यारे बच्चों हाय, कैसा लग रहा है? बढ़िया। सर आपको कैसा लग रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, सही चल रही है मैम तैयारी? ये हमारी है दही पपड़ी स्टाल, कैसा लग रहा है? हो रही है सेल, जम के लगे रहो। वेरी गुड। पूनम मैम कोशिश कर रहे हैं एक एक का अलग से सिंपल फोटो क्लिक कर रहे हैं ना, दही पपड़ी और इसके साथ दूर से सभी का कर लाना। यस, ये है दालमोट। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये है पेटीज स्टॉल, कैसा लग रहा है? बढ़िया। ये शानदार गर्मा गर्म पेटीज, बहुत बढ़िया। हो गया खालियां? कड़ी कचौरी स्टाल है और देखिए गर्मा गर्म कड़ी कचौरी, कैसा लग रहा है? इतने सारे बच्चे खड़े हो एक स्टाल के ऊपर, ओनली 3 या 4 सब, बाकी इंजॉय करो आप लोग, फिर आ जाना चेंज कर लेना। बहुत बढ़िया। ये समोसा स्टाल, ये समोसा स्टॉल कैसा, अच्छा चल रहा है? कोल्ड ड्रिंक स्टॉल कैसा लग रहा है भाई? ये इनको टीयर कर लेना, टीयर करके, बहुत बढ़िया। पेस्ट्री स्टॉल टीयर करके कूपन रखना। इतने सारे बच्चे नहीं खड़े हो, बाकी इंजॉय करो, 2 या 3 सफिशियंट है। यस, कुरकुरे चाट कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ये हमारी प्यारी बिटिया कुरकुरे चाट बना रही है। ये भेल पूरी कैसा लग रहा है? अच्छे चल रही है, सेल बढ़िया हो रही है। देखो कितने बढ़िया आइटम इन्होंने लगा रखे, कितने सारे शानदार, बिल्कुल प्रोफेशनल चाट वालों को फेल कर दिया इन्होंने। ये आइसक्रीम कॉर्नर है, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी शानदार ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ये आइसक्रीम कॉर्नर है। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये सैंडविच मेकर का स्टॉल है, सैंडविच मेकर कैसा लग रहा है मैम? अच्छा चल रहा है। यस, प्यारे बच्चों कैसे चल रहे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट की स्टॉल है, क्राफ्ट कॉर्नर है और कितने शानदार शानदार ये
टीचर्स ने बच्चों के साथ मिलकर के क्राफ्ट का कितनी शानदार खरीद है। सही चल रहा है मैम, बढ़िया चल रहा है। इस बार एक नया प्रयोग किया गया है, बच्चे जो स्कूल में क्राफ्ट का आइटम बनाया है बच्चों ने, हम लोगों ने उसकी भी स्टॉल रखी है, बहुत बढ़िया। इनके ऊपर प्राइस भी लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। ये 10 रुपीज़ का, ये 10 रुपीज़ का जो बच्चों ने क्राफ्ट का आइटम बनाया है, ये 15 रुपीज़ का, बहुत ही सस्ती रेट रखी हुई है। ये 10 रुपीज़ के आइटम है, ये थाली है और मात्र 30 रुपये की ये थाली है। ये शुभ लाभ का है, ओनली 30 रुपीज़ का पेयर है शुभ लाभ का। कितना शानदार ये कलश है, ओनली 20 रुपीज़ का। तो यहाँ से भी ये दिए देखिएगा कितने शानदार, 25 रुपीज़ का। तो आप यहाँ से ख़रीदारी करके लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ख़रीदा गया एक एक सामान। ये देखिए कितना शानदार, बहुत ही शानदार। ये हैंगिंग वॉल्स वगैरह, ये जो भी आइटम बच्चों ने बनाए हैं वो सारे बड़ी शानदार। यहाँ भी भीड़ हो रही है, ये लॉटरी गेम है। हेलो, ये पूरा गेम जोन है, यहाँ पर लॉटरी का है। और देखो कितने चेहरे पर मुस्कान, कितना शानदार बच्चों का, पूरा व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से पूरा। ये हमारा कॉइन गेम, इस गेम में क्या होता है, 25 सेकंड की हेल्प से इन्हें टर्न करना है, और जीतने पर ये प्राइज मिलते हैं, बहुत बढ़िया। आपके में कैसा है, किस तरीके से प्ले करते हैं आपके में? अच्छा, एक इसमें से निकालनी है और अपनी किस्मत को आजमानी, देखते हैं ये बच्चा अपनी किस्मत को कैसे आजमाता है। ट्राई अगेन, पर लेकिन निराश नहीं होने दे रहे बच्चे को, कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ये एरो डॉट गेम, इसमें क्या होता है, इसके अंदर कैसे आप लोग प्राइस का जिस, नाइन नंबर का है, इसके अंदर अगर मिड तो आप लोग क्या देते हैं, चॉकलेट देते हैं, और अगर एट में आता है तो एट में भी चॉकलेट है, और बाकी अदर्स में आता है तो यानी निराश होकर नहीं बेचते, तो लग जाता है निशाना यहाँ से, बहुत बढ़िया। ये शानदार, ये कैंडल गेम। अच्छा, कैंडल गेम का क्या सीन है, कैसे करना है? अच्छा, ऐसा करना है, पर ये ध्यान रखिएगा किसी चीज़ के कपड़े के साथ में इसका आग वगैरह ना लगे, सेफ्टी के साथ करना है आप लोगों को, है ना? अच्छा, जीतने पर क्या दे रहे हैं आप लोग? अच्छा, और ये क्या है? अच्छा, ये तो आपने खरीदे हैं, बहुत बढ़िया। ये बच्चों ने देखो थाली भी परचेज की है, बहुत बढ़िया। कितने की है? 50 की, देखो मात्र 50 रुपये की थाली है। ये 30 का है, ये 20 का, और देखो शुभ दीपावली का कितने का है, ये 50 रुपीज़ की ओनली थाली, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ये पूरा गेम तो मैम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, यस मैम, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ये हमारी आरती मैम है, ये मुस्कान मैम है, आप फर्स्ट टाइम आए आज? फर्स्ट टाइम आए, पहली बार देखा है? आपका नेम? नीरज कुमारी। बच्चे का नेम? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रही है व्यवस्था।
के पेरेंट्स इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ा ही शानदार भव्य ये कार्यक्रम, ये आयोजन नजर आ रहा है। पूरी व्यवस्था बच्चों के बैठने के लिए, छाया की व्यवस्था, पूरे पंखों की व्यवस्था, पानी की पूरी प्रॉपर व्यवस्था। कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, बहुत बढ़िया। यस मैम, कुछ कहना चाहेंगे आरएससी बाल मेले के लिए? अब आप घर जा कर के घर के लिए भी पैक करा के लेके जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, क्योंकि ये पुण्य काम के लिए है। नमस्कार सर। ये सुनीता मैम, सुमन मैम, अनिल सर, वहाँ हमारे कंचन मैम, ये दिशा मैम, ये आशा मैम, इंदु मैम, ये पूजा मैम, लगा आपको घर के लिए पैकिंग करा के लेके जाना? पता है क्यों हो रहा है मेला? इस मेले में जो भी धनराशि अर्जित होगी सीधी गौशाला में जाएगी। अच्छा लगा मैम? आया घर के लिए भी पैक करा के लेके जाना, क्योंकि जो भी कुछ होगा ये अच्छे काम के लिए है ये मेला। ये हमारा कैश काउंटर है, कूपन काउंटर है, और इन्हें जानते हैं। ये रचना मैम है, ये टीना मैम है, ये हमारे कैशियर हैं। यहाँ से भी एक व्यवस्था है कि यहाँ भी आप लोग कैश पेमेंट जमा करा के, और इस तरह से ये 10 रुपीज़ के ये कूपन है, ये केवल वैलिड है, केवल 3 घंटे के लिए वैलिड रहेंगे, उसके बाद ही निरस्त हो जाएंगे। ये 20 रुपीज़ का कूपन है, और ये है 5 रुपये वाला कूपन। तो आ रहे हैं पेरेंट्स वगैरह? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया, लगे रहो। ऑनलाइन भी कर रहे हैं? ऑनलाइन की एंट्री कर लीजिएगा। हर चीज़ पे हम लोगों ने एंट्री लगाई हुई है। सर कैसा लग रहा है? अच्छा लगा मेला? नमस्कार जी। मेले में अभी आए आप लोग, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि एक अच्छे काम के लिए गौशाला में जाएगा जो भी धनराशि है। सर नमस्कार, कैसा लगा मेला? अच्छा लगा। इस मेले की थीम यही है कि कोई भूखा ना सोए। दिवाली पर गरीब परिवारों को हम लोग राशन वितरित करेंगे, और पूरे वर्ष भर गायों के गौशाला में सारा धनराशि। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्राफ्ट का भी आइटम है, वहाँ पर दीपक वगैरह खरीद के जरूर ले जाना घर के लिए, क्योंकि एक एक चीज़ खरीदी गई किसी अच्छे काम में जाएगी। पूरा प्रॉपर पानी की व्यवस्था, ताकि बच्चों को ठंडे पानी की व्यवस्था, ताकि बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। अम्मा जी कैसा लगा मेला? बढ़िया लगा। इस मेले में जो भी राशि आएगी ना, वो सारी गौशाला में जाएगी। हाँ, इसलिए 150 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गायों को जाएगी सीधा। ठीक है, घर के लिए भी ले जाना दीपक वगैरह जो भी है। हाँ बहुत बढ़िया। ये हमारी आंटी है जो गेट के ऊपर बैठी हुई है, और आंटी भी अपना अल्पाहार कर रही है। पूरी व्यवस्था ध्यान रखना बच्चों का, कोई भी बच्चा गाड़ी वगैरह लेके ना निकले, और पूछना बच्चों को कि क्यों जा रहे हो, किस लिए, है ना। ये आरएससी बाल मेला है, और बहुत शानदार, और ये विजयवर्गीय समिति के द्वारा संचालित विजयवर्गीय स्कूल का ये ले लिया मैंने, ले ली मैंने मीटर की फोटो। सही चल रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। मैम कैसा लगा मेला आपको? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया।
हाँ जी भाई साहब, कैसा लगा, क्या बोलना चाहोगे? कुछ भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर सामान खरीद सकते हो घर के लिए भी तो अच्छा है, क्योंकि सारा किसी पुण्य काम के लिए हो रहा है, ना? कैसा लगा बच्चों के साथ आकर के? दादी हैं आप बच्चों की, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मेला? इस मेले की थीम है, इसमें जो भी राशि आएगी ना, पैसा आएगा, सारा गौशाला में जाएगा, ये इस मेले का थीम है। आप भी पहली बार आए, कैसा लगा सर, कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, हजारों लोग देख रहे हैं इसमें को। सर कैसा लगा, कुछ बोलना चाहोगे? अच्छा लगा। इस मेले की थीम यही है कि इसमें जो भी अर्जित होगी राशि वो पुण्य काम के लिए जाएगी, गौशाला, इसलिए तो कोशिश करना घर के लिए भी आप 150 का एक्स्ट्रा खरीद के ले जाना चाहें। ठीक, तो अब हम लोग इस लाइव सेशन को यही एंड करते हैं। काफ़ी बच्चों से भी मैंने बात करा दी है। बिटिया कैसा लगा मेला? अच्छा लगा, क्या कहना चाहोगे? इतना अच्छा करा दिया, बहुत इस पुण्य काम के अंदर इंजॉय करके आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। यस, कुछ कहना चाहोगे, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। यस, क्या कहना चाहोगे? अच्छा, आप बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? खा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। यस, कुछ कहना चाहोगे मेले के लिए? अच्छा लग रहा है, कैसा लगा? घर से बोलना पापा को, मम्मी को, कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है मेला? अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत। इस मेले को मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी लाइव देख रहे हैं, चाहे कोई आरएससी का से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या ना हो, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए स्कीम नंबर 10 में विजय वर्गीय स्कूल ग्राउंड के पास आकर के इस मेले का, इस पुण्य जो ये गंगा बह रही है पुण्य की, इसका आनंद उठा सकते हैं आप लोग, इसका लाभ ले सकते हैं। हम सभी ले रहे हैं, एक अच्छे और नेक काम के लिए है। अपने आप में आरएससी स्कूल का एक अनोखा कॉन्सेप्ट है ये, और सबसे भिन्न है। तो आइए आप लोग जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, धन्यवाद। जय हिंद, जय आरएससी। और मैं इस लाइव सेशन को यही मैं समाप्त करता हूँ। ये हमारे प्रभजोत मैम हैं, कैसा लग रहा है? बहुत